नमस्कार, हम अभी बिहार के सबसे बड़े दारोगा की तैयारी कराने वाले एक फैक्ट्री में हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ नज़र आ रही होंगी, इस साइड भी और इस साइड भी। और इसी फ्लोर पे तकरीबन ऐसे 7 बिल्डिंग है, तकरीबन ऐसा 7 फ्लोर है जहाँ पे बैठ कर लड़के और लड़कियाँ तैयारी करते हैं। ये वो फ्लोर है जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ बैठ के तैयारी करती हैं। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। तो आपको दारोगा बनना है? हाँ। दारोगा ही क्यों? क्योंकि मेरा ये ऐसा सोच है कि दारोगा का नौकरी सबसे बेस्ट होता है। हाँ, और यहाँ की तैयारी से हमें ऐसा लगता है कि हमारी सोच पूरी हो जाएगी। और हल्ला मत कीजिए आप लोग, प्लीज़ कुछ देर के लिए बस चुप रह जाइए। अब हम लोग इस बात पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में आपको हर जगह कोचिंग का हब आपको बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, उसमें हजारों बच्चे, हजारों लड़के और लड़कियां बैठ के तैयारी करते नज़र आएंगे। और यहाँ पे फ़िलहाल टेस्ट चल रहा है और ये टेस्ट अमूनन 35 बार होता है ना सर? पूरा सिलेबस कंप्लीट 30 से 35 टेस्ट में हो जाता है। तो ये टेस्ट इतना ज़्यादा क्यों लेते हैं आप? देखिए, टेस्ट जो है, एक तो टेस्ट का एक पर्पस होता है कि टाइम मैनेजमेंट। जैसे परीक्षा 2 घंटे का होता है तो उसमें एक टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट लिया जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि टेस्ट के थ्रू बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो टेस्ट के थ्रू बच्चा अगर करके जाता है तो वो परीक्षा में बेहतर कर पाता है। बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जो थ्योरिटिकली याद रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन उसी को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में अगर विद्यार्थी को दिया जाता है वो उसको याद रख लेता है, इसलिए टेस्ट होता है। अच्छा, एक पुस्तक है, गौर से देखिए इस पुस्तक को। मुझे इस पुस्तक के बारे में जो जानकारी मिली, जो इन्हीं सर के द्वारा तैयार किया गया है एक लंबे मेहनत के बाद, और इसके बारे में जो पहली जानकारी हमें मिली वो ये कि यह पुस्तक जैसे ही रिलीज़ हुई, देखते ही देखते सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा तकरीबन 35,000 ये पुस्तक बिक गई। 35,000, सही बोल रहा हूँ मैं, है ना? तो सर, आपने इसका विश्लेषण कैसे किया? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो बुक है वो बुक एक क्वेश्चन बैंक है, बिहार दारोगा का क्वेश्चन बैंक है। और क्वेश्चन बैंक, देखिए, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसका क्वेश्चन बैंक का नॉलेज विश्लेषणात्मक ढंग से आपके पास होनी चाहिए, तो उसी क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन है। और दूसरा, बिहार दारोगा परीक्षा एक फैक्चुअल एग्ज़ाम है, कंसेप्चुअल कम फैक्चुअल ज़्यादा है, तो GS के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सभी सब्जेक्ट के फैक्ट जो है उस बुक में डाल दिए हैं, तो इसलिए ये पुस्तक जो है बिहार दारोगा परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा आगे आने वाले परीक्षा के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे हैं और ऐसा 7 फ्लोर है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें तकरीबन हर फ्लोर पे इतने लड़के और लड़कियाँ नज़र आएंगे, लेकिन सिर्फ लड़की है? हाँ, बाकी सारा पे लड़का, सारे लड़के हैं, तो संख्या तो इतनी ही ज़्यादा है लगभग हर फ्लोर पे। तो आपके यहाँ से कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, रेशियो क्या है? देखिए, 1717 में मेरे यहाँ से 8 बच्चा क्वालिफाई किया था और 2446 पोस्ट की वैकेंसी आई तो 100+ बच्चा, और 2213 की वैकेंसी आई तो 250+ बच्चा क्वालिफाई किया है। यानी कुल मिलाकर के देखिएगा तो 350+ बच्चा जो है संस्थान से अभी तक क्वालिफाई कर चुका है। 350 बच्चे? जी। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ से बेरोजगार ही जाएंगे। जो लोग दारोगा की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का नहीं ही क्वालिफाई होगा, तो ऐसे बच्चे या बच्चियों को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? नहीं, ज़्यादातर बच्चों का क्यों नहीं होगा, क्या बात करते हैं? अगर टोटल कितना वैकेंसी है? ये तो वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो वैकेंसी 2000 से 2500 के बीच आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर दारोगा में नहीं हुआ तो अन्य जगहों पर नहीं होता है। जैसे हमारे ही बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो दारोगा की तैयारी करते थे, उनका बिहार SSC में हो गया, उनका रेलवे में हो गया, SSC में हो गया, समझ गए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ इस संस्थान का सबसे बड़ा चीज़ रिजल्ट है, ठीक है? आप जो भीड़ देख रहे हो वो रिजल्ट के कारण, तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे सफल होकर के ही जाते हैं, असफल होने का कोई चांस ही नहीं है, इस प्रकार से हम सींचते हैं। देखिए, एक पेड़ होता है, एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष को सींचा जाता है तो वो फल नहीं देता है, ठीक है, और एक वृक्ष होता है जिसको सींचा जाता है तो वो फल देता ही देता है, तो हम वृक्ष को ऐसे सींचते हैं कि वो फल देता ही देगा ही देगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, ये बात। हम जिस कोचिंग में है, इस कोचिंग का नाम ज्ञान बिंदु GS एकेडमी है, और मुझे नहीं लगता है कि जितना ज़्यादा ये ऑफलाइन फेमस है उतना ही ज़्यादा ऑनलाइन
फेमस है। आप लोग यहाँ ऑफलाइन के माध्यम से आए या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन ऑफलाइन या ऑफलाइन? पता कैसे चला? ऑफलाइन। पता कैसे चला? पता आए थे, वैसे घर पे भैया लोग भी पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं तो उन लोग रेफर किए कि ज्ञान बिंदु जो है वहाँ से बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, वास्तव में आते ही हैं, तो फिर उन लोग के थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ। अब हाँ, क्या नाम है आपका? प्रेरणा मिश्रा। दरोगा आप क्यों बनना चाहते? क्योंकि मेरे में वो क्वालिटी है, इसलिए मैं दरोगा बनना चाहती हूँ। और देश की सेवा करना ये तो सब कहते हैं, ये तो फर्ज है, बनेंगे तो करेंगे ही, उसके बाद वो कुछ हम देश के लिए करेंगे, कुछ हम अपने राज्य के लिए करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अच्छा, दारोगा का पावर क्या होगा? अगर पावर तो पावर कहें तो पावर होता है, उसका उसका तो काम है रक्षा करना, यू नो। और वो पावर उसको पावर के रूप में नहीं ले, पावर के रूप में ले भी तो वो एक पॉजिटिव पावर हो कि हम दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें, हमें हमेशा एक रक्षा का सुझाव दें। पावर का मतलब ये नहीं कि उसको नेगेटिव रूप में यूज़ करें, तो पावर का मतलब यही है देश की सेवा। यस ऑफकोर्स। तो करेंगी आप लोग? ऑफकोर्स करेंगे हम लोग, इसीलिए तो बनना चाहते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो भीड़ नज़र आ रही है ये भीड़ किन वजहों से हुई? क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्रिफरेंस है नहीं, और ऑफलाइन के माध्यम से हम लोगों को खुद बहुत बाद में पता चला, और बाद में पता चलने के बाद आपका कोचिंग विजिट करने आए, तो क्या रीज़न है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है जबकि ऑनलाइन कोई खास चर्चा है नहीं? और फिलहाल का ये एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कि जब तक से आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आपकी चर्चा नहीं होगी, बंद कीजिए, जब तक से आपकी ऑनलाइन नहीं होगी तब तक शायद आपके कोचिंग में ऑफलाइन भीड़ ना लगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन तो जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल है, ऑनलाइन अभी मेरे पास बिहार दरोगा में 25,000 बच्चा पढ़ रहा है अप्लीकेशन के थ्रू। हम यूट्यूबर नहीं है, हम टीचर हैं, ठीक है? तो अप्लीकेशन पे 25,000 बच्चा, 25,000 प्लस ही होगा, ऑन अप्रोक्सीमेट डाटा हम बता रहे, पिछले एक माह पहले का डाटा हम बता रहे हैं। तीन बैच चलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है, तो ऑनलाइन में हमको लगता है 25,000 प्लस बच्चा यहाँ पर स्टडी कर रहा है। तो यही यूट्यूबर के तौर पर हम फेमस नहीं हैं, बस हम ज़मीनी स्तर पर मेहनत करने वाले लोग हैं। ज़मीन पर मेरा नाम है, हवा हवाई में मेरा नाम नहीं है, ठीक? तो मतलब ये तो आप फिर से देख लीजिए। हाँ, मतलब माउथ पब्लिसिटी है? हाँ, माउथ पब्लिसिटी है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई बैनर पोस्टर नहीं, यानी विद्यार्थी ही विद्यार्थी को लाया, जो भी है सब एक दूसरे के थ्रू आया है। अच्छा, वो बच्चे जो दारोगा बनने के बाद ज़्यादातर वर्दी पे ये दोष लगता है कि वर्दी ग्रहण करने के बाद ज़्यादातर लोग घुसखोर ही हो जाते हैं, पुलिस को लोग बहुत ही नीची निगाह से देखता है, आप अपने बच्चों को कैसे इस चीज़ के लिए मोटिवेट कीजिएगा कि लोग आप पे आँख बंद करके भरोसा करें? देखिए, बात ऐसा है कि संस्कार, एक संस्कार होता है, ठीक है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी पढ़ने वाले लोग हैं वही आते हैं। दूसरी बात यह है कि पढ़ाने के साथ साथ जो है, ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ जो है आपको हर वो चीज़ सिखाया जाता है, जैसे ईमानदारी बरतने के लिए बताया जाता है, जैसे टेस्ट ही हो रहा है, टेस्ट में बहुत सारे लड़का जो है आपको नकल करते हैं, तो यानी ईमानदारी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसके नैतिकता का भी विकास यहाँ पे किया जाता है, और हमेशा मध्यम मार्ग अपनाने की बात हम करते हैं विद्यार्थी को। तो हमारे ख्याल से मैक्सिमम छात्र हमारे ईमानदार होंगे, मध्यम मार्ग को अपनाएंगे। अब एक्सेप्शनल केस में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, समझ गए? और देखिए, जो गलत तरीका से आगे बढ़ता है ना, तो उसका जो है नाश भी गलत तरीका से ही होता है, तो इंसान को होना चाहिए कि सही तरीका से आगे बढ़े जो हमेशा उनके साथ रहे। अच्छा, दरोगा की तैयारी करने का एक आम तरीका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर सकें, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखिए, एक तो सेल्फ स्टडी करना चाहिए, सेल्फ स्टडी मेरे ख्याल से कम 7-8 घंटा करना चाहिए, कुछ बुक सेलेक्ट कर ले, ठीक है, कुछ बुक सेलेक्ट कर ले, और बुक सेलेक्ट करके जो है बुक पढ़े, और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस सेट डेली देते रहे, क्वेश्चन बैंक देखते रहे, काफ़ी है, सफिशियंट। और आखिरी सुझाव क्या है आपका अपने बच्चों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं? देखिए, मेरा सुझाव यही है, चाहे हमारे पास पढ़ रहे छात्र छात्रा हो या अन्य कोई भी हो, अंतिम सुझाव यही है कि देखिए, मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट होगा। बुक जो है सिलेक्टिव बुक सेलेक्ट करके रखिए, यानी सिलेक्टिव बुक पढ़िए, मेहनत कीजिए, सेट मारिए, 100% रिजल्ट होगा। और साथ ही साथ अपने पर विश्वास रखिए, अपने गुरुजन पर विश्वास रखिए, अपने मार्गदर्शक पर विश्वास रखिए, निश्चित तौर पे होगा। और सबसे बड़ा चीज़, अपने आप पे विश्वास रखिए। अब जब इतनी ज़्यादा चर्चा हो गई, तो आखिरी में जाते जाते
इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि आपके यहाँ का फी क्या है। फी बहुत कम है, फी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर भी बताना ना, फी बताना हम मुनासिब नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा फी नहीं है कि जो है बहुत कम फी है। ठीक है, इतना कम फी है कि हर कोई पटना में रहने वाला बच्चा अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, इतना ही फी है लड़का सब। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है और हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पटना बिहार में बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां बैठ के हजारों लड़के तैयारी करते हैं, हजारों लड़कियां भी तैयारी करती हैं और वो लोग इस उम्मीद में तैयारी करते हैं कि आगे चल के कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा और उन्हीं में से कुछ संस्थानों पर लोग भरोसा करते हैं और उन्हीं संस्थानों में से एक कोचिंग संस्थान ये है जहाँ पर हम बैठ के खड़े होके तमाम कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। बाकी देखने के लिए आपका धन्यवाद।